कि अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो अगेन इनकी गिजा को ठीक बनाएं, इनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर आप तवज्जो दें, और गिजा बेशक उसमें एक अहम किरदार है। गिजा का गिजा कैसी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि गरीब बच्चे जो हैं वो ही मेल नॉरिश्ड होंगे। अमीर खानदान जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उनके उनमें जो वालदैन हैं उनको समझ होनी चाहिए कि कौन सी गिजा बच्चों के लिए अच्छी है और कौन सी गिजा बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। बचपन से ये जो टेस्ट डेवलप करेंगे बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। मतलब ये है मेरा कि आपकी आपकी जितनी आप इनको गिजा दें उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी उससे कम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए, आपको ये जो व्हाइट फ्लोर है इसको अवॉइड करना चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट्स जंक फूड्स इनको अवॉइड करना चाहिए, फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, गुड फैट्स आपको उनको देने चाहिए, जैसे कि आपकी नॉर्मल जो ये कुकिंग करते हैं आप, इसमें यू शुड यूज कैनोला ऑयल और एट सम इंस्टेंसेस ऑलिव ऑयल, घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीनियस फूड्स इनको देने चाहिए, वो फूड्स इनको देने चाहिए जिनमें जो कि पैक्ड हो मिनरल्स और विटामिंस उसमें ज़्यादा हो, और ये सारी चीज डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके हैं चीज़ है और मिल्क है, दे आर इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन